तो यहाँ पर मैं चार लहसुन सुन रही हूँ, एक हरी मिर्च लूँगी, थोड़ा सा अदरक लूँगी खाने को टेस्टी बनाने के लिए, और थोड़ा सा प्याज डालूंगी। ये प्याज काट लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पनीर और आलू का मसाला तैयार कर लिया है। इसको मैंने आधा चम्मच तेल लेके जीरे का छौंक लगाया था, उसके बाद मसाले ऐड किए हैं। ये रेडी है, और यहाँ मेरा आटा रेडी है। आटे में पंच मार के मैंने सॉफ्ट कर लिया है, और अब मैं पहले चाय बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ ही मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, तो काफ़ी संख्या में वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से लोग मेरे चैनल को वॉच करते हैं, और मेरी थैंकफुल फॉर दिस पीपल। 2% पीपल आर फ्रॉम अमेरिका एंड रशिया, 2% पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, 2% फ्रॉम नेपाल, और एंड 2% पीपल फ्रॉम कोरिया। दे आर वॉचिंग माई वीडियो एंड दे लाइक माई चैनल्स, माई सॉन्ग्स। जब मैं इंग्लिश सॉन्ग की एडिटिंग करती हूँ तो शायद तब देखते होंगे वो लोग, और उस तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक मिल रहे हैं, और मेरा चैनल अच्छा खासा चल रहा है। आप लोग भी कृपया, जो इंडियन जो है ना, इंडियन फैमिली से भी हैं, और जो दोस्त लोग हैं, आप लोग क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं मेरे चैनल को जो मुझसे नाराज है मुझसे मिलने और अपनी नाराजगी दूर करिए। सब बिजी हैं, सब व्यस्त हैं अपने अपने लाइफ में, किसी के पास भी मतलब समय ही ऐसा है, समय अपनी अपनी जिंदगी में सभी बिजी हैं। सभी के लिए दिल से सम्मान है और दिल से रेस्पेक्ट है, आप भी इग्नोर मत करिए तो कोई इंसान अर्न करता है तो उसको अर्न करने दीजिए, उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि कोई भी इंसान अपने अकेले के लिए तो नहीं जीता है। हर इंसान चाहता है कि वो अपने परिवार के लिए करे, अपने समाज के लिए करे, अपने देश के लिए बहुत कुछ करे, और इंसान और मनी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सभी की इच्छाओं को और सबकी मदद तब कर पाएगा जब इंसान के पास पैसा है। तो जो मेरे भाई बहन YouTube के माध्यम से पैसा कमाते हैं, अपना नाम कमा रहे हैं, तो उन लोगों से मैं बहुत खुश हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि वो बहुत सारे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो डालते हैं, उससे हमको नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है। तो दोस्तों, जब आप नहीं अपने ही दोस्तों को जब आप सपोर्ट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो तो फिर फायदा क्या है दोस्ती का, तो फिर कोई मतलब ही नहीं। तो दोस्तों, मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण हाउसवाइफ हूँ, और इस समय घर में हूँ। एजुकेशन मैंने अपने हिसाब से पूरी ली है, जो मुझे उस टाइम में मेरे पेरेंट्स ने दिए। मैं एम ए बी एड हूँ, एम ए इकोनॉमिक्स, और उसके बाद मैंने यही हल्द्वानी अरिहंत कॉलेज से बी एड किया है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी जा रही हूँ मैं वेलनेस सेंटर की तरफ, आज बहुत ठंड है और चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। जनवरी के आरटीओ रूम में, आरटीओ ऑफिस के बाद 200 मीटर आगे मेरा वेलनेस सेंटर है, 200-300 मीटर आगे होगा।
सुबह का प्रोटीन शेक। मैं वीडियो बना रही हूँ सब फ्रेंड्स। तो कुछ पिक्स मैं आपको सुबह मॉर्निंग की शेयर कर रही हूँ, उसके बाद घर आके जो मेरा रूटीन रहा उसकी पिक्स मैं आपको शेयर करूँगी और कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे और हेल्थी होंगे। तो आजकल मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है। तो एक हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तो दोस्तों आज की ठंडी ठंडी सुबह में आप सभी लोगों का अभिवादन है, स्वागत है मेरे ब्लॉग में। सभी लोग जो हाउसवाइफ हैं सभी घर में हैं आज, और जो लोग घर में हैं वो तो मोबाइल तो आजकल हर कोई देखता है, सुबह देखते हैं शाम देखते हैं। मोबाइल देखना हमारे डेली रूटीन में का एक हिस्सा बन गया है। तो इसी माध्यम से आजकल हमारा इसी माध्यम से ही अधिकतर हमारे रिश्ते चल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पहले से कार्ड आते थे, चिट्ठियाँ आती थी, उसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे। अब तो बस केवल एक ही यही माध्यम है। तो आप सभी लोगों को मेरे चैनल से बहुत ढेर सारा प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्कार। मैं भूमिका जोशी हल्द्वानी से सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का दिन जो है मेरे को लग रहा है जाड़ों की सबसे ठंडी सुबह आज हल्द्वानी में। सुबह कोहरा बहुत था और ठंड का तो पूछना नहीं है, क्योंकि इस बार ठंड देर से शुरू हुई है। तो जो पिछले सालों में था अभी तक तो मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता था, लेकिन अभी ठंड का सिलसिला जारी है। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, ठंड से बचाव करिए, और विशेषकर बच्चे जो हैं सॉक्स और टोपी पहन के रखें। बच्चे और बूढ़े लोगों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और यंग इंसान तो अपना सब कुछ कर ही लेते हैं, अपनी केयर खुद। तो दोस्तों आजकल मेरा बेटा घर में आया हुआ है और मेरा नाश्ता तो हो चुका है, क्योंकि मैं योगा सेंटर जाती हूँ, वहीं हमें न्यूट्रिशन ड्रिंक दिया जाता है, उसका नाश्ता हमारा हो जाता है। और हमने बना रही हूँ बेटे के लिए, बनाऊँगी आलू के पराठे, और मैं कैसे बनाती हूँ आप लोग भी देखिए बनाने के लिए। तो ये रहे आलू मैंने धो के रखे हैं, और जो सभी को आता है कॉमन डिश है, कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से ये सिखा रही हूँ कि आप लोग जो है ना खाने की क्वांटिटी पर्सन के हिसाब से कम ही रखें, खाना वेस्ट न करें, खाना बर्बाद न करें, और ज़्यादा भी न बनाएं, क्योंकि फिर ज़्यादा बना के आप लोग अपने पेट में न ठूसें क्योंकि जब हम खाना ज़्यादा बना देते हैं तो बचा हुआ फेंकने को मन तो किसी को होता नहीं है, और हम ही लोग ज़्यादा खा लेते हैं। तो खाना हमेशा नाप के क्वांटिटी के हिसाब से बनाना चाहिए, और फ्रेश खाना जब खाना है तभी बनाएं, और
बासी खाना फ्रिज में भर के बंद करके मत रखें। जो ग्रहणियाँ हैं ना हाउस वाइफ, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग भोजन को अपने घर के लोगों को फ्रेश खाना ही सर्व करें। लगा दिए हैं मैंने, इन आलू बंद कर दिए हैं। और बच्चे तो सिंपल पराठा खा लेते थे, आज के बच्चों को कुछ स्पेशल चाहिए तो इसके लिए बना रही हूँ मैं पनीर का पराठा, आलू पनीर का पराठा। जो मैं आप लोग कभी मेरे घर आए तो मैं आपको बना के खिलाऊंगी। और दो तीन पराठा मेरे काफ़ी है, उससे ज़्यादा पराठे खाता भी कौन है। खाने में हमारे कार्बोहाइड्रेट की जो है ना, कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है क्वांटिटी वो कम ही होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे शरीर को प्रोटीन की होती है 90%। और जो भी खाना आप लोग खा रहे हैं, रोटी एक या दो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो सब कार्बोहाइड्रेट खाना जरूरी है एनर्जी के लिए, लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो सब हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है और वजन बढ़ने का यही कारण है। तो दोस्तों, काम तो मैं गाने सुन के, मैं भजन सुन के मैं किचन में काम करती हूँ, तो मोबाइल इस समय वीडियो बना रही हूँ तो भजन नहीं सुन सकती, तो खुदी जा रही हूँ। जीरो राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा। तो अपना काम दोस्तों हमेशा खुशहाली करना चाहिए।